गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट दो, लाख की चूड़ियां। हमारा पार्ट एक समाप्त हो चुका है। हिंदी बसंत में हम पढ़ेंगे पार्ट दो, लाख की चूड़ियां। इसके पहले हमने पढ़ा था पार्ट एक ध्वनि, तो आज हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ। देखिए, सारे गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। सबसे अच्छा था क्योंकि मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना बना कर देता था एक बच्चा, जो कि ये कविता जो है आपकी, ये कामता नाथ के द्वारा लिखी गई है। ये जो पाठ है ये कामता नाथ के द्वारा ये गद्य लिखा गया है, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता, क्योंकि वो क्या करता था, मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर दिया करता था एक छोटे से बच्चे को, जो अपने मामा के घर आया हुआ था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था। क्यों? क्योंकि मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ थी रंग बिरंगी, जो सभी बच्चों का मन मोह लिया करती थी। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण बदलू को मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, तो वो भी उसे बदलू काका ही पुकारता था। बदलू का मकान बहुत ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बद्दू अपना काम किया करता था। वो एक गांव का व्यक्ति था जो कि चूड़ी बनाने का कार्य किया करता था। बगल में भट्टी रहती थी। आप लोगों ने राजस्थान में लाख की चूड़ियां बनाने का काम बहुत अधिक मात्रा में होता है। वह लाख पिघलाता, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक रॉड होती है जिस पर लाख को गर्म करके चिपकाया जाता है, चूड़ी का शेप किया जाता है। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी हुई थी, जो आगे से कुछ पतली पीछे से मोटी होती थी, जिससे विभिन्न आकार की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल चिकना बनाता था। एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, अच्छे अच्छे कलर का था। बद्दू का कार्य सदा एक मछली पर बैठकर किया जाता, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में भूखा रहता, बीच बीच में पीता रहता, क्योंकि गाँव के व्यक्ति थे। गाँव में दोपहर के समय अधिकतर बद्दू के पास समय बीतता था। ये कवि की कल्पना है। कवि कह रहा है कि वो क्या करता था, बदलू के पास चला जाता था दोपहर में। मेरे पहुँचते ही तुरंत एक मछिया मंगा देता, मैं घंटों बैठकर उन पर चूड़ियाँ बनाते देखता रहता कि ये चूड़ी कैसे बनाता है। बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, बेलन में ऊपर किसी नववधू की जैसे कलाई हो, ऐसी कवि की कल्पना थी कि बेलन क्या है, कलाई है जिस पर बदलू चूड़ियाँ चढ़ाता जाता था। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक व्यवसाय था, अर्थात पूर्वजों के समय से उसके यहाँ ये कार्य होता आ रहा था। वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी, परंतु वह कभी कभी चूड़ियों के पैसे से बेचता ना था। उसका अभी एक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु को ले लेना। लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। वह अवश्य जीत पकड़ लेता शादी विवाह के अवसर पर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर वो अपनी निकाल लिया करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता। जब वो किसी की शादी की चूड़ियाँ लेता था तो बदले में वो उससे अच्छी खासी इनकम कर लेता, फिर उसको मनाने में लोहे लग जाते। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी रुपए जो मिलते सो अलग।
मतलब शादी में वो सब चीज़ वसूल लिया करता था, ऐसे चूड़ियों को ऐसे ही दे दिया करता था। यदि संसार में बंधुओं को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ी है उसकी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ी दिख जाती वह अंदर ही अंदर उड़ जाता है। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता है मुझसे, तो वह घंटों बातें किया करता है। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला। लला मतलब प्यार से कहता था, वह तो सभी कुछ होता है वहाँ, तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। ये शहर की बातें वो बताया करता था। फिर उसकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी, क्योंकि लाख की चूड़ी मजबूत होती, चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खाते भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में क्या करता था, आम देता था। रोज़ दो चार आम उसके यहाँ खाता, इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में मामा के यहाँ जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु दो तीन बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया होगा। तब मेरे पिता की एक दूर के शहर की बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में भी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि वो बचपन में खेला करता था। गांव में सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ, बिल्ले हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। समय बदल गया था, लोग लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे थे। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात है वो बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, से खून निकलने लगा। मामा सब उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया, मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊँगा। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया। उसने मुझे पहचाना नहीं, देर तक मेरी ओर निहारता रहा था, देखता रहा। बदलू फिर भी, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा। एकदम बोल पड़ा, आओ और लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उनकी मछियाँ नजर आई ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने उनसे पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन हो गई है लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, चूड़ियाँ सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती, लाख में कहाँ। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर भी होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आई और वो देर तक खांसता रहा, क्योंकि वो वृद्ध हो चुका था। लेकिन मुझे लगा उसे दमाए अवस्था के साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, माथे पर नसें उभर आई थी, जाने कैसे। मैंने उसे मेरी शंका भाप के बोला, दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है, महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में क्या होगी, ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, कुछ शांति रही, क्योंकि मशीनी युग आ जाने से ऐसे कारीगर जो थे वो क्या हुए, उनका जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आम की फसल कैसी काका, अच्छी है लला, बहुत अच्छी, कहकर अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दिया। नहीं रज्जू लला के लिए आम तो ले, फिर मेरी ओर मुखातिब, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो बहुत साल हो गए, वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ये क्या था, एक आपसी प्रेम था, मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखा करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, कैसे
गाय कहाँ लाला, दो साल हुए बीत गए, कहाँ से खिलाता, इतनी गरीबी थी उसके पास। इसने बच्चों उसकी बेटी अंदर से डलिया में आम ले आई, इतनी कहाँ खाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारे मर का था तो चौगुने आम खा जाता था। लला को चार पांच आम छाट कर दो, सिंदूरी वाली देना। सिंदूरी क्या है, एक आम की प्रजाति है। रज्जू ने नाम अंजली में रखकर मेरी ओर बढ़ा दिया आम लेने के लिए। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई। गोरी कलाइयों पर लाखी चुड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देखी, बोरा यह आखिरी जोड़ा बनाया था साहब जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाता। उसकी चूड़ियों की भी एक कीमत थी। कामतानाथ जी ने इस कविता को बहुत रोचक ढंग से लिखा है बच्चों, इसे आप पढ़ें और समझें। कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद बच्चों।